मुखिया के अधिकार को किया जा रहा है हनन। नमस्कार, टाइम फैक्ट्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिमा भारद्वाज और आप देख रहे हैं टाइम फैक्ट्स न्यूज। आथर पंचायत की मुखिया रेखा सिंह ने कहा कि पहले के मुखिया थे जो अपने अनुसार पंचायत को चलाते थे और आज के मुखिया के अधिकारों को हनन किया जा रहा है। तो आइए सुनते हैं और क्या कह रहे हैं रेखा सिंह। जो हमारा ये हड़ताल चल रहा है 16 से 31 अगस्त तक का है, जिसमें हम लोग की मांगे जो पंचायती व्यवस्था है, जो पहले गांधी जी का एक सपना था कि जो पंचायतें हैं वो अपने प्राथमिकता के अनुसार अपना पंचायत चलाए, अपना खुद गवर्नमेंट बना कर रहे। लेकिन अब ये कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि हम जो मुखिया जो हैं उनके जो अधिकार है उसका हनन किया जा रहा है, क्योंकि पहले जो था कि मुखिया अपने अनुसार जो भी काम जरूरी है उसको कर देता था। लेकिन अब जो आ रहा है, सरकार का आदेश आ रहा है, वहाँ से सीधे लेटर आ जाता है कि आपको पहले ये काम करना है और उसको ग्राम सभा से पारित करना है। जबकि ग्राम सभा सबसे पावरफुल सरकार होती है कि आप उसमें कुछ पारित करके आप अपना काम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सरकार कह रही कि नहीं, आप इस काम को करिए, ग्राम सभा से पारित करिए और इसको आप अपने पंचायत में लागू करवाइए। और कहीं ना कहीं और भी समस्याएं हैं जो पहले बहुत आसान रह रहा था जनता को, क्योंकि मुखिया एक चुना जाता है कि हमारे काम को आसान कर सके। जनता इसलिए चुनती है कि हम मुखिया हमको आसानी से अवेलेबल हो जाता है, आप चलते फिरते भी मुखिया से बात कर सकती है जनता, जहाँ की विधायक या सांसद उनसे मुलाकात नहीं हो पाती है। तो कहीं ना कहीं जनता को बहुत सहूलियत लगता है कि हम मुखिया से अपनी कोई भी बात रखें या कोई काम भी है। अच्छा, तो पहले जो आप लोग को अधिकार दिया गया था, अब वो अधिकार ले लिया गया, क्या क्या था उसमें? उस समय था जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, ये हमारे ऑफिस मतलब कार्यालय में निर्गत होता था, रजिस्टर मेंटेन रहता था उसमें वो किया जाता था। कबीर अंत्येष्टि का था जो कैश हाथ में आता था, उसी समय तुरंत जैसे मृत्यु हुआ वो आया रोते हुए, हम लोग उसी समय दे दिया करते थे और उसका मेंटेन होता था, रजिस्टर में मेंटेन होता था किसको दिया गया और हस्ताक्षर लिया जाता था। तो ये सब चीज़ें थी जो हमारे हाथ में थी। पेंशन का हुआ वो भी बहुत आसानी के तरीके से हो जाता था, लेकिन अब इसको इतना प्रोसेस को इतना लंबा बना दिया है कि वो व्यक्ति बेचारा दर दर भटकते रह रहा है। इसका कहने का आपका मतलब है कि अब काम ढंग से नहीं हो रहा है? जी जी, उसको उस प्रोसेस को इतना बना दिया टेक्निकली, ठीक है आजकल ये टेक्निकल डिजिटल का आ गया है, लेकिन आपने उसको इतना लंबा कर दिया है कि वो व्यक्ति वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रहा है, क्योंकि उसको आसान मुखिया लगता है। लेकिन अब उसको लगता है कि अब कहीं ब्लॉक में जाना है तो CSC सेंटर जाना है, वहाँ पे 40 रुपया दीजिए तो उसका हुआ, उसको ये भी नहीं पता चलता है कि मेरा मतलब पोर्टल हुआ कि नहीं हुआ। तो ये सब कारण है जिसकी वजह से बेचारे जो जनता है वो भुगत रही है। और ये सरकार अच्छा, आप मुखिया संघ की प्रदेश की महिला उपाध्यक्ष? जी जी। और जिले में